हेलो, चलो कंटिन्यू करके अपना चैप्टर। कहाँ तक हमारा हो गया था? यहाँ तक। ठीक है, हमने तो क्या क्या पढ़े को डिवाइस करते थोड़ा सा शॉर्ट में। हमने पढ़ा वैदिक पीरियड, तो हमने पहले सुना कि वैदिक पीरियड का मीनिंग ही क्या है। एक ऐसा पीरियड जब वेद फैशन्स में आए, जब वेद फैशन में, जब वेद हमारे युग में आए। ठीक है, और कब कब आए ये आर्यन का कुछ स्टार्टिंग होता है कि आर्यन से ऐसे सेट, तब उसको अली वैदिक पीरियड बोला। जब आर्यन ने सेटलमेंट करना स्टार्ट किया तो उसको लेटर वैदिक एज बोला गया। इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो कुछ लिटरेरी सोर्सेस थे जो हमने पढ़े थे। ठीक है, उसके विषय में हमने पढ़ा था कि वैदिक लिटरेचर को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे चार वेद हो गए, चार ब्रह्मणस हो गए, है ना, वो कुछ ब्रह्मणस हो गए, कुछ आरण्यकस हो गए, कुछ उपनिषद हो गए। ठीक है, तो हमने कल फोर वेद के बारे में पढ़ लिया था, हमें ब्रह्मणस के बारे में पढ़ना है, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नहीं हमने यही पढ़े थे, हमने उपनिषद वगैरह सब पढ़ लेते हैं। हम नया पढ़ते हैं अलाइड। क्या लिखा हुआ है ये जरा पढ़ना, क्या लिखा हुआ, हेडिंग क्या है? अलाइड वैदिक लिटरेचर एंड लिटरेरी, तो हमने पहले पढ़ी ली थी ना, तो क्या बोला अलाइड? अलाइड मतलब हेल्पिंग, सपोर्टिंग, उनके साथ में, उनके साथ में यानी उनके अलावा। जो हमने ऊपर पढ़े थे तो प्राइमरी थे, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये तो इम्पोर्टेंट वैदिक लिटरेचर है ही है, ये थोड़ा अलाइड है, इनके साथ में ये भी पढ़े जाते हैं, ये भी पढ़े जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इनको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहला है वेदनगस। क्या है? वेदांगस। ठीक है, तो कुछ इनके इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं आपको याद रखने। बेसिकली वेदनगस क्या है? एक ऐसा लिटरेचर है जिसके हमें, जिसके अंदर हमें बताया गया, एक ऐसा लिटरेचर है जिसके हमें बताया गया तरीके कि हमें तो भगवान की चैंटिंग करनी चाहिए, जो भी हम वेद वगैरह पढ़ते हैं, फिर उनकी वेद की जो चैंटिंग करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए। फिर डील विद द वे इन विच द वेदास ऑट टू बी चैंटेड, कि हम वेद जो पढ़ते हैं तो वेद कैसे पढ़ने चाहिए, वेद कैसे हमें पढ़ने चाहिए, उसके बारे में हमें कौन बताता है, उसका तरीका हमें कौन बताता है, ये वेदनगस हमें बताता है। ठीक है, दो सेकंड रुकना। ठीक है, एंड दस आर देन दस इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदा, तो वो कह रहा है इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है, अगर आपको वेद पढ़ने समझने हैं तो ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपको वो किस तरह से पढ़ने चाहिए, अगर आपको तरीका ही नहीं पता होगा तो आप कैसे उसको समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए अलाइड, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, छह तरीके के वेदांगस हैं जो क्या क्या बताते हैं। छह के नाम है क्या? नहीं, उनके नेम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं है, हाँ लेकिन उनका जो पर्पज है वो यहाँ पर बताया गया। सिक्स तरह के वेदांगस हैं जो क्या बताते हैं बेसिकली, कि आप कैसे उनको प्रोनाउंस करो, उनकी ग्रामर, उनके रूल्स क्या होते हैं, एटिमोलॉजी, मैट्रिक्स, उनकी डेप्थ, एस्ट्रोनॉमी, थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी से रिलेट करके, तो इन चीज़ों के बारे में रीड करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो लिटरेचर आता है वो होता है सूत्रास। क्या आता है? सूत्रास। और सूत्रास को भी तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये सूत्रास क्या है? सूत्रास कुछ से लिटरेचर है, इसको भी, ये स्पेसिफिक कोई लिटरेचर नहीं है, इसको और फादर तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला श्रोता सूत्रार्थ, दूसरा गृह सूत्रार्थ या फिर स्मृता सूत्रार्थ, और एक धर्म सूत्रार्थ। ठीक है, पहला है श्रोता सूत्रार्थ। श्रोता सूत्रार्थ, श्रोता सूत्रार्थ आपको बताता है किसके बारे में, इट डील्स विद यज्ञ एंड सेक्रीफाइसेस। जो हम यज्ञ मतलब जो हम यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ, तो श्रोता सूत्र के अंदर बताया, श्रोता सूत्र डील करता है यज्ञ के बारे में और सेक्रीफाइसेस के बारे में, कि यज्ञ वगैरह करते हैं तो कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, और यज्ञ वगैरह करते टाइम हम कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं तो वो कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं, ये किसके अंदर लिखा हुआ है? श्रोता सूत्र के अंदर लिखा हुआ है। फिर क्या गृह सूत्र, या फिर इसको स्मार्ट मत पढ़ना, आपको लगे स्मार्ट नहीं, स्मर्थ है वो, क्या स्मर्थ? स्मर्थ सूत्र, ये किसका डील करता है? सेरेमनीज, डील्स विद सेरेमनीज। सेरेमनीज मतलब क्या? संस्कार। संस्कार मतलब जो हमारे अंदर होते हैं वो वाले नहीं,
संस्कार मतलब जो हम संस्कार में आप कह सकता हूँ, मतलब एक रस्में, हिंदी में बोल सकते हैं रस्में, ठीक है, जो हम रस्में जो करते हैं उनको बोलते हैं सेरेमनीज, ठीक है। तो ये बताता है कि कोई भी आप धार्मिक काम कर रहे हो या कोई भी आप फैमिली लाइफ में कोई भी आप अगर कोई रस्म रिवाज कर रहे हो तो वो रस्म रिवाज आपको किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह लेकिन गृह सूत्र कैसे लोगों से, गृह मतलब घर के बारे में बताता है। एक है धर्म सूत्र, विच प्रोवाइड रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द वेरियस क्लास ऑफ पीपल एंड द वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। ये आपको आपका धर्म बताता है, आपको आपकी ड्यूटी बताता है, ये आपको बताता है रूल अबाउट योर कंडक्ट, कि आपका दूसरों के लिए कंडक्ट कैसा होना चाहिए, लोगों का कंडक्ट कैसा होना चाहिए अलग अलग स्टेजेस पर इन देयर लाइफ। आप छोटे होते हो तो आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आप एडल्ट होते हो तब आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आप अर्निंग स्टेज पर जाते हो तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आप ओल्ड एज में जाते हो तो आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, किसके में लिखा हुआ है, धर्म सूत्र के अंदर लिखा हुआ है। उपवेदास एज नेम सजेस्ट, नाम में क्या गया उप, उप मतलब क्या, थोड़ा छोटा, थोड़ा सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का अगर आपको मतलब नहीं पता तो उसको समझ लो आपको छोटा भाई, सब्सिडियरी का अगर आपको मीनिंग नहीं तो उसको एक छोटा भाई समझ लो, ठीक है। तो एज नेम सजेस्ट दे आर सब्सिडियरी वेदास, यानी वेदों के छोटे भाई हैं ये, वेदों के क्या हैं, छोटे भाई हैं, ठीक है। दे आर फोर इन नंबर, ये कितने हैं टोटल, फोर हैं। एक का नाम तो आपने सुना ही होगा आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के बारे में भी आपको पता होगा, आयुर्वेदा डील्स विद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आपको पता होगा ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम लेते हैं, तो आयुर्वेदा किसके बारे में रिलेट करता है। एक तो पहले तो आयुर्वेदा जो है इंडियन सिस्टम है, कोई अमेरिकन कोई ब्रिटिश सिस्टम नहीं है, इंडियन सिस्टम है, किस चीज़ का, मेडिसिन का, ठीक है। एक आयुर्वेदा हो गया, एक गंधर्व वेदा हो गया, एक शिल्प वेदा हो गया, ठीक है। तो आयुर्वेदा में बताता है मेडिसिन के बारे में, धनुर्वेदा में सिखाता है आर्ट ऑफ वॉरफेयर, लड़ाई कैसे करें, लड़ाई कैसे करें इसके बारे में बताता है धनुर्वेदा। गंधर्व वेदा में बताता है आर्ट ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में हमें बताता है। शिल्प वेदा में बताता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू में आपसे वन वर्ड में आपसे पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दर्शन, दर्शन आज जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो वो कह रहे हैं देर आर सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी नोन एज अ सद दर्शन। अब ये वर्ड आपके पास आई थिंक पहले बार आया है, स्कूल, सिक्स स्कूल्स, यहाँ पे स्कूल का मतलब स्कूल कॉलेज से नहीं है, यहाँ पे स्कूल का मतलब थॉट्स से है, यहाँ पे स्कूल का मतलब किससे, थॉट्स से, यहाँ पे स्कूल का मतलब क्या है, थॉट, लिख लो आप एग्जाम्पल। यानी कह रहे हैं कि दर्शन के रिगार्डिंग छह तरह के थॉट हैं, सिक्स तरीके के थॉट हैं, यानी लोगों के इंटरप्रेट करने के तरीके छह हैं, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है ना किसी को इंटरप्रेट करने का। हाँ, तो वही कह रहा है कि दर्शनों को लेकर लोगों के दिमाग में सिक्स तरीके के थॉट्स हैं जो हमारे इंडियन फिलोसफर रह चुके हैं। तो उनमें पाया गया कि लोग तो काफ़ी सारे लोग विद्वान लोगों के, काफ़ी स्कॉलर लोगों ने आपस में डिस्कशन किया तो उनके आपस में थॉट निकले सिक्स, और फिर उन लोगों ने कलेक्टिव उनको नाम के दिया सद दर्शन। सद दर्शन, सद मतलब होता है सिक्स, सद मतलब होता है सिक्स, तो सिक्स दर्शन उनको नाम दे दिया गया। सर, छह दर्शन कौन कौन से हैं, पहले का नाम है न्याय दर्शन, दूसरे का नाम है वैशिका वैशेषिका, नेक्स्ट का संख्य संख संख्य, योगा पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, एक पूर्व और एक उत्तर है, 1 2 3 4 5 सिक्स आपके हो गए। एक न्याय दर्शन, एक वैशेषिका, एक संख्य, एक योग, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, इनके बारे में आपको नहीं बताया गया, आपके सिलेबस में नहीं डाला गया कि ये होते क्या है, जैसे नाम बताया गया तो आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 2 मार्क्स 2 मार्क्स में। दे ऑल प्रोपागेट द वर्च्यूज ऑफ लाइफ एंड आर अपोज टू एक्शनल रिचुअल्स। तो एक नया वर्ड यहाँ पर आया प्रोपागेट, प्रोपागेट का मतलब देखो एडवर्टाइज करना, प्रोपागेट मतलब क्या, एडवर्टाइज करना, एडवर्टाइज करना, ठीक है। तो वो कह रहा है ये जो दर्शन से क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, किस चीज का एडवर्टाइज करते हैं, वर्सेस ऑफ लाइफ, वर्सेस ऑफ लाइफ, वर्सेस ऑफ लाइफ, ये बेसिकली क्या आपको किस चीज का मैं ये हमें बताते हैं कि लाइफ की क्वालिटीज क्या है, लाइफ की क्वालिटीज क्या है। वर्सेस का अगर मीनिंग आपको नहीं पता तो वर्सेस का मीनिंग लिख लो क्वालिटीज,
एंड अपोज टू एक्सटर्नल रिचुअल्स। और जो बाहरी रिचुअल्स हैं, मतलब जो बाहरी रिचुअल्स को मैं कह सकता हूँ फेक, जो हमने अपने मन से ऐसे बनाए हैं, तो उनको अपोज करते हैं। उनको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। लोगों ने अपने मन से बना लिए रिचुअल्स, उनको अपोज करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर मैं इसका बताऊँ, तो ऐसे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप इस भगवान की तरह से पूजा करनी चाहिए, वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। अब लोगों ने अलग ही सिस्टम बनाया, सती प्रथा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बाल विवाह आपने पढ़ा होगा। तो ये जो अलग से जो हमने रिचुअल बना रखे हैं, तो इनको अपोज करते हैं। इनको क्या करते हैं, अपोज करते हैं, इनके अगेंस्ट जाता है ये, ठीक है। और अगर आपको दर्शन का मीनिंग नहीं पता तो मैं बता दूं, दर्शन आर्ट साइड का बहुत फेमस सब्जेक्ट है। फिलोसफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र ही बोलते हैं, फिलोसफी की हिंदी होती है दर्शन शास्त्र, ये सब्जेक्ट है फिलोसफी। फिलोसफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्शन, दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट का नाम है फिलोसफी, ठीक है। एक आता धर्म शास्त्र, नाम बताया है कि सर धर्म के बारे में बताएगा, किसी रूल्स के बारे में बताएगा, रिचुअल्स के वो ड्यूटीज के बारे में बताएगा हमारे यहाँ। तो वो कहता था लॉ बुक्स कॉल्ड धर्म सूत्र, जो लॉ बुक्स होती हैं जिनमें रूल्स लिखे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, धर्म सूत्र कहते हैं। एंड द स्मृति इज टुगेदर विद देयर कमेंट्रीज, उनके अंदर क्या होती हैं, स्मृतिज होती हैं, स्मृतिज होती हैं विद देयर कमेंट्रीज। कमेंट्रीज मतलब क्या, लॉ बुक्स में जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, काफ़ी डिफिकल्ट होती है, तो उनको सिंपल वे में इंटरप्रेट करना, उनको बोलते हैं कमेंट्रीज। कुछ लोग उनको इंटरप्रेट करके रख देते हैं उन्हीं के साथ में। तो इन चीज़ों को क्या बोला था, इन चीज़ों को बोला था धर्म शास्त्रार्थ, यानी धर्म शास्त्र मतलब क्या, सिंपल लॉ बुक। लेकिन लॉ बुक में अगर कमेंट्रीज भी हैं तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, धर्म शास्त्र, ठीक है। दी ले डाउन, ले डाउन मतलब होता है प्रेजेंट करना, ले डाउन मतलब होता है प्रेजेंट करना। दे प्रेजेंट द ड्यूटीज ऑफ फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल एज वेल एज फॉर किंग्स एंड ऑफिसर्स, यानी ये बताते हैं अलग अलग तरह के लोगों के लिए क्या, अलग अलग तरह के लोगों की क्या ड्यूटीज हैं। अगर कोई किंग है तो उसकी क्या ड्यूटी है, अगर कोई उनके ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज हैं, एक जनरल पब्लिक है तो उनकी क्या ड्यूटीज हैं। तो हर तरह के लोगों को क्या बताते हैं, ड्यूटीज बताते हैं। मनुस्मृति जिसके एक पार्ट है वो बताता है, गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदू कोड ऑफ लॉ, हिंदू कोड ऑफ लॉ इंक्लूडिंग दी वर्नाज एंड दी आश्रम्स। मनुस्मृति एक इसका धर्मशास्त्र का पार्ट है जो हमें बताता है, जो बेसिकली बताता है कि हिंदुओं का लॉ क्या है, हिंदुओं को हिंदू विजन में रहते हुए क्या करना चाहिए, इंक्लूडिंग वर्नाज, वर्नाज मतलब कास्ट, ठीक है, किस कास्ट के लोगों को कैसा करना चाहिए ये बताते हैं। एंड आश्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नाम याद रखना है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करा दूँ, ठीक है ना, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बिल्कुल संस्कृत वाला वर्ड आ गया यहाँ पे। इट इज ट्रीटाइज ऑन संस्कृत ग्रामर बाय पणिनि। ट्रीटाइज मतलब क्या, बनाया गया है। ट्रीटाइज मतलब क्या, प्रोड्यूस किया गया है। तो वो कह रहे ये जो वर्ड है ये कहाँ से प्रोड्यूस किया गया, ये संस्कृत ग्रामर से, संस्कृत से प्रोड्यूस किया गया, संस्कृत ग्रामर से प्रोड्यूस किया गया ये वर्ड जो आया संस्कृत से आया, बाय पणिनि, और उस वर्ड का नाम क्या, पणिनि। इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द रूट्स ऑफ द वर्ड्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ये, इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द रूट्स ऑफ द वर्ड्स एंड द कंटेक्स्ट इन विच दे वर यूज इन वैदिक लिटरेचर। यानी अष्टाध्यायी एक ऐसा लिटरेचर है, अष्टाध्यायी एक ऐसा लिटरेचर, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा लिटरेचर है, एक ऐसी बुक है जहाँ पर जो जो वर्ड इन अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग लिटरेचर में यूज हुए हैं, उनके मीनिंग दिए हुए, उनके इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यानी एक क्या वोकेबलरी बुक हो गई, एक डिक्शनरी हो गई, लेकिन अब डिक्शनरी में सिंपल वर्ड नहीं लिखा हुआ, ये उन्होंने ये भी बताया है कि उस वर्ड का मीनिंग कहाँ से आया, रूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूट ऑफ द वर्ड, उस वर्ड का मीनिंग कहाँ से आया, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इन द कंटेक्स्ट ये किस पर्पज से वो किस वैदिक लिटरेचर में यूज किए गए हैं। आपको पता है ना हर वर्ड के अलग अलग जगह मीनिंग चेंज हो जाते हैं, किसी वर्ड का किसी भी जगह पर मीनिंग सेम नहीं रहता। एक मैं आपको एक नया वर्ड बताता हूँ, राम, राम का मीनिंग क्या होता है, अगर आप हम हिंदुओं में अगर से राम का मतलब हो गया तो हम भगवान राम को बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे, राम का हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नाम। लेकिन राम अगर आप ब्रिटिश वगैरह में चलो, आप इंडिया से बाहर चले जाओ, जो लोग भगवान को नहीं मानते,
मानते भी हैं। तो राम का मतलब एक और वर्ड होता है भेड़ा, अगर आपने कुछ सुना हो तो, जो जिसकी आंखें वगैरह खराब होती हैं, एक एडजेक्टिव भी होता है। तो हर जगह आपको मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि किस लिटरेचर में क्या मीनिंग है, किस लिटरेचर में, किस बुक में इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो सारे हमारे क्या हो गए वेद के बारे में, जो हमारे वैदिक के जो लिटरेचर थे बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ तक मैं जानता हूँ। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं यहाँ तक। लॉन्ग क्वेश्चन की मुझे उम्मीद है नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बहुत बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसका हम सब जानते ही हैं, एपिक्स। एपिक्स मतलब ग्रंथ, हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रंथ। दो ग्रंथ है जो कि बेसिकली हमारे यहाँ पे रामायण और महाभारत। गलती से ऐसा मत बोलना कभी भी जो मैंने बोला है। द रामायण एंड दी महाभारत, इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। द रामायण एंड दी महाभारत, वो तो इम्पोर्टेंट एपिक्स हैं, आप जानते ही हो, ठीक है। 2 मिनट का पॉज करके वीडियो को आप मुझे बताओ कि रामायण का आप कितना जानते हो। आप वीडियो पॉज करके मुझे बताओ, और महाभारत के बारे में कितना जानते हो, जितना भी जानते हो, जो भी जानते हो, वीडियो पॉज करके मुझे बताओ, ठीक है। आई थिंक आपने थॉट से रिकलेक्ट कर लिए होंगे, मुझे बता भी दिया होगा, ठीक है। तो प्रतीक और क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दी द रामायण वॉज ओरिजिनली कंपोज इन संस्कृत, द संस्कृत वर्जन इज सेट टू बी द वर्क ऑफ महर्षि वाल्मीकि। कहा जा रहा है कि ओरिजिनल जो रामायण लिखी गई थी, ओरिजिनल जो रामायण जो बुक है, जो रामायण ग्रंथ है, जो द रामायण है, उसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है, संस्कृत है। हमारी इंडियंस की, इंडियंस में नहीं बोलूँगा मैं, हम आर्यन समाज से बिलोंग करते हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, वो हिंदी भी नहीं है ना इंग्लिश है, वो हमारे क्या संस्कृत है, ठीक है। तो उस टाइम पर सब संस्कृत ही जानते थे। तो रामायण जो ग्रंथ है, रामायण जो लिखा हुआ गया है, वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत में। और ऐसा माना जाता है कि संस्कृत में सबसे पहले जो लिखा गया था, सबसे पहले जो लिखा गया था वो किसने लिखा गया था, महर्षि वाल्मीकि ने। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों माना गया है, अब कैसे एक लोगों को पता, उस टाइम पर तो लोग जिंदा भी नहीं थे, कैसे पता कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन कभी आपके होंगे ना, आपके कान्हा जी के बारे में काफी सारी स्टोरीज तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, तो उस टाइम पे ये इनको कैसे पता चला, आपके ऐसे दिमाग में कोई क्वेश्चन आते होंगे कि ये जो लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद जो बॉर्न हुए हैं, खैर ये तो उन्हीं के टाइम पे बॉर्न हुए थे, लेकिन हमें पता कैसे चला। और कुछ लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद भी बॉर्न हुए, तुलसीदास जी का जन्म जो आई थिंक हुआ था 18 या 16 की सेंचुरी में हुआ था, तो उनको कांतिकारी में था कुछ कैसे पता है? और कुछ ऐसा पता जो दुनिया को नहीं पता, तो उनको ऐसी चीज़ कैसे पता चला। अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरे को 2 इंसिडेंट पता है, इसलिए मैं 2 ही नाम आपको लिए, एक महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में और एक तुलसीदास जी के बारे में। ऐसा माना जाता है, मतलब हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि हनुमान जी जो हैं वो अमर हैं, वो अभी भी इस अर्थ पर हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर इसका चल रहा है इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, अगर साइंस चल रहा होता तो मैं भगवान की बात भी नहीं करता, पर हमारे चैप्टर इसके रिगार्डिंग से तो मेरे को भगवान की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी अजर अमर हैं, ठीक है। तो जब महर्षि वाल्मीकि बुक लिख रहे थे तो महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी के साथ, वो महर्षि वाल्मीकि कभी भी राम जी के साथ थे ही नहीं, उनको राम जी का अनुभव पता ही नहीं था। महर्षि वाल्मीकि को जितना ही पता चला वो हनुमान जी के द्वारा ही पता चला। हनुमान जी जितना टाइम जंगल से लेकर लंका तक जब तक राम जी के साथ थे, तब तक के बारे में जितना भी कुछ हनुमान जी को पता था, वो सारा हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया था। अर्जुन को सुनाया था तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको नोट डाउन कर दिया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी अजर अमर है, तो वो बाद में लोगों को दिखते रहे, बाद में आज के टाइम पे भी लोगों को दिखते रहे। तो उन्होंने कुछ लोगों को ये चीज़ बताई और उन लोगों के थ्रू उनको पता चला। ऐसा तुलसीदास जी के केस में माना जाता है कि तुलसीदास जी को कृष्ण जी के बारे में किसने बताया, तो माना जाता है तुलसीदास जी इतने प्योर सोल थी कि उनको हनुमान जी के दर्शन हो चुके थे, और हनुमान जी ने कृष्ण जी के बारे में उनको बताया था, और तब जाकर उन्होंने उनके बारे में लिखा था। तो ऐसा माना जाता है, आप बिलीव करो चाहे ना करो, ऐसा माना जाता है। मैंने तो बस इसलिए बताया कि आपके दिमाग में थॉट आता हो कि लोगों को कैसे पता चला, ये इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी बातें हैं, आज के टाइम पर हमें कैसे पता चला,
तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं। द स्टोरी ऑफ रामा रिवॉल्व्स अराउंड रामा एंड द सन ऑफ हिज वाइफ सीता, सन ऑफ हिज वाइफ सीता बाय डेमन, डेमन किंग रावण। एबडक्शन मतलब होता है नेवर्ड है किडनैप, एबडक्शन का मीनिंग होता है किडनैप। ठीक है, तो वो कहते हैं रामायण जो स्टोरी है वो किसके अराउंड घूमती है, दो चीज़ों के अराउंड, एक तो भगवान राम के अराउंड और उनकी जो वाइफ है सीता जी उनके किडनैप के अराउंड घूमती हैं, जो कि किसने कहते हैं उनका किडनैप, एक राक्षस था और एक राजा भी था, बेसिकली राक्षस तो राजा, वो राक्षस राजा, वो राक्षसों का राजा था राम। एंड द बैटल बिटवीन राम एंड रावण, राम एंड रावण, ठीक है उनके बारे में। एंड ड्यूटी डिवोशन एंड लव शोन बाय दी ब्रदर्स इज टोल्ड इन डिटेल, उन चीज़ों के बारे में स्टोरी में डिटेल में बताया गया है। रामा वॉज द एल्डेस्ट ऑफ ऑफ द फोर सन्स ऑफ दशरथ, द रूलर ऑफ अयोध्या। और जो राम जी जो थे वो किसके आते हैं, द किंग दशरथ जो कि अयोध्या के रूलर थे उनके क्या थे, चारों बेटे में, चारों बेटों में सबसे बड़े थे। हु हैड थ्री क्वींस, जिनकी तीन रानियाँ थीं। और राम वॉज द सन ऑफ एल्डेस्ट क्वीन कौशल्या एंड वॉज द हर अपरेंट टू द थ्रोन एंड हेयर अपरेंट टू द थ्रोन। तो क्या राम जी कौन थे, एल्डेस्ट क्वीन कौशल्या, एल्डेस्ट क्वीन जो उनकी सबसे बड़ी रानी थी उनके बेटे थे, एंड वॉज द हेयर अपरेंट टू द थ्रोन और सिंहासन के वारिस थे। हेयर अपरेंट मतलब वारिस आप कह सकते हो। आफ्टर राम, आफ्टर रामा वॉज मैरिड टू सीता ही वॉज टू बी इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड ओहो सर मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया क्या, नया वर्ड आया। आफ्टर रामा वॉज मैरिड टू सीता ही वॉज इंस्टॉल्ड, ही वॉज टू बी इंस्टॉल्ड एज ए किंग। तो लिखा हुआ है उनकी सीता जी के शादी के बाद, सीता जी से उनकी शादी के बाद उनको इंस्टॉल किया जाना था एज अ किंग, नहीं इंस्टॉल मतलब उनको ऐसा उनकी पोजिशन मिलने वाली थी एज अ किंग, उनको मिलने वाली थी, ही वॉज टू बी, मिली नहीं थी, ही वॉज टू बी, मिलने वाली थी अभी मिली नहीं तुमको पोजीशन किंग वाली। एट दिस जंक्शन, इसी दौरान, इसी दौरान जंक्शन मतलब डू द पीरियड या दिस, इसी डिस्टेंस इसी बीच में, मीन वाइल कह सकते हो। किंग दशरथ अदौरा क्वीन के कई रिमाइंडेड हिम ऑफ द प्रॉमिस ही हैड मेड अर्लियर टू ग्रांट हर अवे। इसी दौरान क्या हुआ, किंग दशरथ की जो दूसरी रानी थी केकई, उन्होंने किंग को याद दिलाया एक प्रॉमिस के बारे में, कि उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि वो केकई के कोई भी एक विश पूरी करेंगे, कोई भी एक विश किसी भी तरह की विश वो उससे पूरी करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, केके वॉन्टेड हर सन भारत, भरत टू बी द किंग। तो केके ने बोला कि आपको राम को नहीं मेरे बेटे को क्या बनाओ, किंग बनाओ। इस स्टोरी आपने सुन रखी होगी, आप इंडियन हो आपने सुन रखी होगी, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। टू बी द किंग एंड रामा टू बी सेंट इन टू एग्जाइल, एग्जाइल मतलब वनवास, वनवास, वनवास मतलब क्या, वन मतलब जंगल, वास में रहना, जंगल में रहने के लिए भेजना। और चाहती थी कि राम को वो क्या भेज दें 14 साल के लिए, 14 ईयर्स के लिए क्या करते, वनवास भेज दें। और ऐसा भी क्यों हुआ, आई थिंक ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर लिखा होगा तो मैं बता दूंगा, ये भी आपको पता होगा कि ऐसा उन्होंने किसके कहने पर कहा था। राम सीता हिज वाइफ सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण वेंट टू द फॉरेस्ट। जो राम जी थे वो अपनी वाइफ लक्ष्मण जी के साथ, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ कहाँ से लेके फॉरेस्ट चले गए, इंडिया से, इंडिया से सन्यासी, इंडिया से सन्यासी, डिसगेज होता चेंजिंग बाय, चेंजिंग बाय चेंज, ओ इसका होता है चेंज द आइडेंटिटी या फिर अपनी आइडेंटिटी को छिपाना, हाइड द आइडेंटिटी, हाइड द आइडेंटिटी। तो क्या इन डिसगेज ऑफ सन्यासी, यानी रावण जो राक्षस था, रावण जो राक्षस था लंका का राजा था, वो अपना भेष बदल के, वो अपनी आइडेंटिटी छिपा कर एज अ सन्यासी, एज अ ऋषि मुनि आया, ठीक है। एंड अबक्टेड द एबडक्टेड दी सीता एंड टुक हर टू लंका, और उन्होंने सीता जी को किडनैप किया और लंका अपने साथ ले गया। रामा टुक द हेल्प ऑफ सुग्रीव एंड हनुमान, दे क्रॉस द ओशन एंड डिफीटेड रावण। रामा देन अलोंग विद सीता एंड लक्ष्मण प्रोसीडेड प्रोसीडेड होम हैविंग कंप्लीटेड द 14 ईयर्स एग्जाइल, ही वॉज काउंट द किंग। फिर लिखा हुआ कि राम जी ने फिर क्या हुआ, जब वो किडनैप हो गए थे तो राम जी ने सुग्रीव की हेल्प ली, सुग्रीव जी की, हनुमान जी की हेल्प ली, उन्होंने ओशन क्रॉस किया, पता है ना लंका कहाँ पे, ओशन के पास है, ओशन को क्रॉस करने के बाद आता है, एंड डिफीटेड रावण, और उन्होंने रावण को हरा दिया। राम देन अलोंग विद सीता, राम जी फिर सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ वापस घर आ गए आफ्टर कम्प्लीटिंग द 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, अपना 14 साल का वनवास कम्प्लीट करके वो आ गए। 2 सेकंड रुकना जरा,
he was counting the king और उनको राजा बना दिया गया क्राउन पहना कर। he was counting the king उन्हें किंग का क्राउन पहना दिया गया। महाभारत को भी जल्द पढ़ते हैं। दी भागवत गीता विच फॉर्म सॉरी आगे महाभारत बीएबी टू बी द वर्क ऑफ सेज व्यास। सेज मतलब कोई ऋषि मुनि, सेज मतलब कोई ऋषि मुनि, ठीक है। बीएबी टू बी द वर्क ऑफ ऋषि व्यास या महामुनि व्यास कह सकते हो, ठीक है। तो माना जाता है कि जो महाभारत जो लिखी गई वो ऋषि व्यास ने लिखी हुई है, ऋषि व्यास जी ने लिखी हुई है। इज रिटन इन संस्कृत, ये भी किसमें लिखी हुई है, संस्कृत में, उस टाइम की लैंग्वेज थी। ओरिजिनल इट वॉज कॉल्ड जाया और दी कलेक्शन डीलिंग विद विक्ट्री। ओरिजिनल महाभारत को, ओरिजिनली महाभारत को क्या कहा गया था, जया। जया वर्ड बना हुआ जैसे, जय को इंग्लिश में बोला जया, जय जय मतलब जीतना, विक्ट्री। तो ओरिजिनल को जय बोला गया, इंग्लिश में बोल सकते हो कि विक्ट्री है ना, या फिर कलेक्शन डीलिंग विद विक्ट्री। ओरिजिनल को ये नाम दिया गया। सब्सिक्वेंटली इट केम टू बी नोन एज महाभारत। सब्सिक्वेंटली इट केम टू बी नोन एज भारत, बाद में इसको हम भारत बोलने लगे। ऐसा क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स द स्टोरी ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब कॉल्ड भारत, भरत बेसिकली। इसको बाद में भरता तो नहीं बोलूँगा, भारत ही बोलूँगा, ठीक है। भारत क्यों आया, भारत से, भरत से, ठीक है, भारत बोला जाने। इसके बाद में भारत बोला जाने लगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टोरी है ना, स्टोरी किसकी है, स्टोरीज ऑफ द डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स मतलब क्या, बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ठीक है, नीचे की जो पीढ़ियाँ चलती हैं उनको। क्योंकि इसमें स्टोरीज है, स्टोरीज किसकी थी, ऑफ दी ऑफ वन ऑफ दी अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स कॉल्ड भारत। यानी कि वैदिक ट्राइब्स के जो लोगों में सबसे पुराने जो राजा थे ना, उनके बच्चों की स्टोरी थी। और जो वैदिक ट्राइब्स के जो सबसे पुराने जो राजा थे ना, उनका नाम था किंग भरत, किंग भरत, और उनके बच्चे ये आपस में लड़ाई कर रहे थे, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसका नाम भारत पड़ गया। एंड द फाइनल कंपाइलेशन केम टू बी नोन एज भारत, बाद में इसको क्या नाम दे दिया गया, महाभारत नाम दे दिया गया, ठीक है। द भागवत गीता विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द महाभारत इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस टेक्स्ट कंसिडर्ड सेक्रेड बाय मेनी पीपल इन इंडिया। वो कह रहा है द भागवत गीता विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ महाभारत, जो कि क्या बेसिकली महाभारत का एक पार्ट है, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस टेक्स्ट, जो कि मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस टेक्स्ट में से एक टेक्स्ट है, जिसको पवित्र माना जाता है। सेक्रेड मतलब होली, होली मतलब पवित्र, जिसको पवित्र माना जाता है इंडिया में, जिसको पवित्र माना जाता है काफ़ी सारे लोगों द्वारा इंडिया में। द इंटरेस्ट ऑफ दिस सेल्फ मेड कंफ्लिक्ट विद ड्यूटी एंड व्हेनेवर देयर इज सच अ कंफ्लिक्ट, देयर इज सच अ कंफ्लिक्ट द भागवत गीता गिव्स आंसर। को कह रहे द इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ मेड, इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ मेड मतलब क्या, माइट मतलब यहाँ पावर से है, यानी आप अपनी जब अपनी खुद की ताकत पर आप घमंड करने लगते हो ना, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे आप उसके ऊपर घमंड करने लगते हो, प्राउड करने लगते हो। जब अपनी ताकत पर घमंड करने लगते हो और अपनी ड्यूटी उससे क्या करने लगते हो, अपनी ड्यूटी से क्या करते हो, कन्फ्लिक्ट करते हो, या फिर व्हेनेवर देयर इज सच अ कन्फ्लिक्ट, या फिर वहाँ पर जब भी ऐसा कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा, कोई भी तरह का कन्फ्लिक्ट हो, देन भागवत गीता गिफ्ट दिया सकता। भागवत गीता में इतनी बड़ी चीज लिखी हुई इस टाइम पर ही कि उससे आज के टाइम पर भी, आज के प्रॉब्लम्स के भी सोल्यूशन मिल जाते हैं। दैट इज द सीक्रेट, दैट इज द सीक्रेट ऑफ द अनडाइंग पॉपुलैरिटी ऑफ दिस रिलीजियस टेक्स्ट। अनडाइंग मतलब ये पॉपुलैरिटी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, यही इसका सीक्रेट है कि ये आज के टाइम की प्रॉब्लम के क्या रिलीज सोल्यूशन देती है। लिखी गई थी इतने साल पहले, इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, लेकिन आज की प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन बुक को पढ़ने से मिल जाता है। यही रीजन है कि इसकी पॉपुलैरिटी कभी खत्म ही नहीं होने वाली, हो रही, ये सीक्रेट है। इट टीचर्स देयर द सोल इज इमोर्टल, और इसका बेसिक एम क्या है, ये हमें सिखाती है कि हमारे सोल इमोर्टल है, हम इंसान का जो बॉडी है वो एक्सपायर हो जाती है, लेकिन जो हमारी सोल है वो कभी भी डेड नहीं होती, वो कभी भी डेड नहीं होती। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बाद में पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एपिक्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ द एपिक्स, इम्पॉर्टेंस मतलब ये जो अभी हमने ऊपर एपिक्स पढ़ते थे, रामायण द महाभारत, इन्हीं के पढ़ने से बता रहे हैं, हाँ। तो कह रहे थे एपिक्स सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो ये क्या बताते हैं,
इन्फॉर्मेशन के सोर्स से कि उस टाइम पर क्या हुआ, कैसे नहीं, उस टाइम पर कैसे लोग थे, क्या सोचते थे, क्या नहीं करते थे, उनके बारे में पता चलता है ना। वो सोच सकती ऑन द, सोच सकती ऑन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो पॉलिटिक्स के बारे में उस टाइम के नेता वगैरह कैसे होते थे, किंग वगैरह कैसे होते थे, ठीक है। एंड दिस सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल बिहेवियर लोगों कैसे होता है, कल्चर बिहेवियर कैसा होता था, और दी एपिक एज, एपिक एज मतलब उस एज की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जब ये ग्रंथ बने गए थे तो उस एज की बात कर रहे हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन दी वेरियस आर्यन किंगडम, जिस टाइम के आर्यन किंगों के बारे में बताते हैं, उनके किंगडम्स के बारे में बताते हैं, दे आर्मीज के बारे में बताते हैं, उनके वेपन्स के बारे में बताते हैं जो वो यूज़ कर रहे थे। क्षत्रिय क्षत्रिय वर इंटरेस्टेड विद द डिफेंस ऑफ देयर किंगडम, ये बताते हैं किस टाइम पर क्या, जैसे आज टाइम पर हमारी सिक्योरिटी जो दी गई है किसके हाथ में दी गई है, आर्मी वालों के हाथ में, तो उस टाइम की आर्मी हमारी कौन होती थी, जो क्षत्रिय कास्ट के लोग होते थे, एक कास्ट के क्षत्रिय, तो क्षत्रिय लोगों को डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उनके किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो रखवाली है वो कौन करेगा, उनके लिए कौन लड़ेगा, क्षत्रिय। एंड दे बिलीव दैट डेथ ऑन द बैटल फील्ड वॉज द नोबलेस्ट एक्ट इन द लाइफ ऑफ अ बॉय, और उनका मानना था वो कभी डरते नहीं थे मरने से, वो कभी भी अपनी डेथ से डरते नहीं थे, वो ये मानते थे कि अगर हम डरते डरते अगर मर भी गए तो सबसे बेस्ट काम है, सबसे श्रेष्ठ काम है, सबसे नोबलेस्ट, इससे अच्छा काम तो किसी वॉरियर के लिए हो ही नहीं सकता। उनका मानता वॉरियर की लाइफ में बैटल फील्ड में मरने से बेटर और अच्छा काम हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। द एपिक्स आर कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट वर्क फिनेस्ट फाइनेस्ट लिटरेरी वर्क ऑफ द एंशिएंट पीरियड, ऐसा मानता है कि ये तो बहुत बढ़िया लिटरेरी वर्क है क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। एंड आर एक्लेम्ड, एक्लेम्ड डिक्लेयर करना है, आर एक्लेम्ड फॉर द लिटरेरी एंड फिलोसफिकल वैल्यू, और उनको आज भी माना जाता है, इनको आज भी माना जाता है उनकी लिटरेरी और फिलोसफिकल वैल्यू की वजह से, क्योंकि बात में वैल्यू है। आप प्राणियों को पढ़ कर देखेंगे आपको वैल्यूलेस नहीं लगेंगे, मैं प्राणी बातें नहीं करा, आपने कोई दस प्राणी स्टोरी पढ़ी मैं उसकी बात नहीं करा, लेकिन ग्रंथ की बात करें, एपिक्स की बात करें, एपिक्स को पढ़ोगे तो इनमें जो लिखा हुआ है ये आपको वैल्यूलेस नहीं लगेगा। दे रिवील दी हाई आइडियाज ऑफ फैमिली लाइफ ऑफ दी आर्यन, ये बताते हैं उस टाइम के आर्यन लोग जो होते थे उनके आइडियल क्या होते थे, उनके मतलब थॉट क्या होते थे, उनके हम बताते थे, ठीक है। द ग्रेट हीरो डेपिक्टेड इन द एपिक्स आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, बताया जाता है जो उन ग्रेट हीरोज के बारे में बताया जाता है, किन ग्रेट हीरोज के बारे में जो डेपिक्ट किए गए, डेपिक्ट में शो किए गए हैं, किसमें, इन ग्रंथों में शो किए गए हैं, इनको माना जाता है, क्या माना जाता है, इनको एक सिंबल माना जाता है, स्कूल लाइन का मीनिंग बोल सकता हूँ, सिंबल ऑफ हाई मॉरल प्रिंसिपल, इनको सिंबल माना जाता है हाई मॉरल प्रिंसिपल्स का, इनके तो मॉरल प्रिंसिपल है कितने हाई थे, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, उनके सिंबल कैसे थे, वो अपने फादर के एक बार कहने पर, उनकी माता के एक बार कहने पर 14 साल के लिए बनवास चले गए। यहाँ कौन जाएगा ऐसी बात मानकर, कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मॉरल प्रिंसिपल्स कहने पता चलता है। एंड मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सक्सेसिव जनरेशन, और ऑब्वियसली बात है इनका आने वाले जनरेशन से फर्क पड़ा है, आने वाली जनरेशन चीज़ों से सीखती है तो उसको भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो भागवत गीता इलाबोरेट था कर्म, कर्म मतलब कर्म जो हम काम करते हैं, मतलब ड्यूटी जो हम वर्क करते हैं, कर्म फिलोसफी ये बताते हैं कि काम कैसे काम करता है, ये हमारा जो कर्म है ना, कर्म जो हम जो काम करते हैं वो काम भी कैसे काम करता है इसके बारे में बताया गया इसके अंदर। इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल, और हमारी सोल इमोर्टल है, अमर है, इसके बारे में हम भगवद गीता बताती है। तो ये तो पता हमसे कि भगवद गीता का मेन एफेसिस किस पर रहता है, द कर्म फिलोसफी एंड द इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल। महाभारत द किंग ऑफ हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र 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 थोड़ी स्टोरी बता रहे हैं, पढ़ते हैं जरा। द किंग ऑफ हस्तिनापुर धृतराष्ट्र हैड 100 सन्स नोन एज कौरव, ठीक है, तो उनके 100 बेटे थे जो कौरव माने जाते हैं। धृतराष्ट्र ब्रदर पांडु हु हैड डाइड अर्लियर, धृतराष्ट्र के छोटे भाई, छोटे भाई तो नहीं थे, बड़े भाई थे, नहीं छोटे भाई थे, हाँ पांडु, जो कि पहले मर चुके थे, उनके 5 बेटे थे, उन्होंने पांडव, वो क्या बोले थे, पांडव, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम धृतराष्ट्र नेम्ड द एल्डेस्ट पांडव युधिष्ठिर हिज सक्सेसर, कुछ अब जब उनके भाई की डेथ हुई, जब सबसे बड़े बेटे को अपने भाई, 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 सबसे बड़े बेटे को अपने भाई के सबसे बड़े बेटे को बेटे यानी युधिष्ठिर को क्या बना दिया, अपना सक्सेसर बता दिया, सक्सेसर मतलब कि धृतराष्ट्र के जो भी किंग बनेगा वो युधिष्ठिर ही बनेगा, यानी उनको प्रिंस बना दिया गया था बेसिकली। जैसे एंगर दुर्योधन, इससे दुर्योधन गुस्सा हो गया, दुर्योधन कौन था, कौरवों में सबसे बड़ा यानी धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे,
इट बिकेम द कॉज ऑफ द एनिमिटी, यही उनकी लड़ाई का रीजन होना, यही उनकी दुश्मनी का कारण बना, एंड जेलसी बिटवीन द कजन्स, और ये उनकी जेलसी का रीजन बना। बस लूजिंग अ गेम्स ऑफ डाइस, गेम ऑफ डाइस मतलब वही लूडो वगैरह आप कह सकते हैं उसको, शतरंज उसको क्या बोलते थे, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। एक और गेम चलाता है युधिष्ठर, 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 द एल्डेस्ट पांडव लॉस्ट हिज किंगडम। एक बार तो गेम में क्या वो जुआ बोल सकते हैं उसको, तो जुआ लग रहा था वहाँ पे, गैम्बलिंग हो रही थी, तो एक बार तो पांडव ने उस गैम्बलिंग में अपना किंगडम ही हार गया, एज वेल एज द्रौपदी टू दुर्योधन अपनी वाइफ को भी हार गए, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। और वहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ कि पांडव जो उनको भी बाप उनको भी कहाँ जाना पड़ेगा, वनवास में जाना पड़ेगा, ताकि फोर्टीनेस का था नहीं, ये फोर्टीनेस का नहीं था, ये कुछ मंथ्स का था, ठीक है। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द एग्जाइल, जब वो अपना एग्जाइल पूरा करके आए, द पांडव आस्क द कौरव टू रिटर्न देयर किंगडम, तो उन्होंने कौरव से बोला कि जैसा हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि 14 महीने बाद आएंगे, हम एग्जाइल पूरा करके आएंगे, 3 महीने बाद आए, मुझे नहीं पता कि हम जब एग्जाइल कंप्लीट करके आएंगे तो तुम्हें प्रॉमिस किया था, हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था कि तुम हमें किंगडम दे दोगे। दुर्योधन दुर्योधन रेफ्यूज, दुर्योधन ने मना कर दिया, दुर्योधन अपने एग्रीमेंट से मुकर गया। सो द वॉर नोन एज महाभारत फॉलोड, और इसकी वजह से महाभारत आगे बढ़ी, इसकी वजह से वॉर हुआ। अर्जुन अब पांडव वॉज रिलेक्टेंट टू फाइट, और अर्जुन जो कि बहुत आतुर था, रिलेक्टेंट वाला आतुर, बहुत एक्साइटेड हो गया मतलब लड़ने के लिए, एंड द लॉर्ड कृष्णा अल्टीमेटली गेव हिम अ डिस्कोर्स एंड प्री बिल्ड अपॉन हिम टू डू हिज ड्यूटी, तो कृष्ण जी ने उनको अलाउ किया और बताया कि तुम अपनी ड्यूटी करो। दिस डिस्कोर्स एट द बैटल फील्ड इज कंपाइल्ड इन द फॉर्म इन द भागवत गीता, इन द फॉर्म भागवत गीता। तो उन्होंने जो ने ज्ञान दिया था डिस्कोर्स ना ज्ञान, उन्होंने जो उसको ज्ञान दिया था बैटल फील्ड पर, उन सारे ज्ञान को कंपाइल किया गया, उन सारे नॉलेज को कंपाइल किया गया। अब आप कहोगे सर ये आपने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था कि सर हनुमान जी ने बताया था, हनुमान जी भी यहाँ पे, आपको सर नहीं शक पता हो, आपको सर नहीं पता हो, जब भागवत गीता हो रही थी ना, जब महाभारत हो रही थी, यानी कान्हा जी के द्वार पे, राम जी की बात नहीं कर रहे, कृष्ण जी की बात कर रहे, उस टाइम पर भी हनुमान जी थे कृष्ण जी के साथ। आपको फैक्ट बताऊँ, अर्जुन का जो रथ था, अर्जुन जिस रथ पर बैठकर बैटल कर रहे थे, उस रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे हिडन फॉर्म में, वो गायब हो गए थे, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, पर वो वहाँ पर थे। अब सच करके आपको दिख जाएगा, और यही रीज़न है कि इस बैटल फील्ड में सभी के रथ टूट गए, इतने इस बैटल फील्ड में, इस वॉर में सभी के रथ टूट गए, लेकिन अर्जुन का रथ नहीं टूटा। अर्जुन का रथ क्यों नहीं टूटा, क्योंकि उस रथ को पावर हनुमान जी दे रहे थे, कान्हा जी रथ को पावर नहीं दे रहे थे, कान्हा जी को भी तीर लग गया था, अगर आपको ध्यान, तो कान्हा जी का भी ब्लड बह रहा था, अगर आपने कभी देखी टीवी पर आती है, लेकिन रथ को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रथ को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रथ को प्रोटेक्ट कौन कर रहे थे, हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो जिस टाइम रथ पर बैठकर जब कान्हा जी अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे थे, तो हनुमान जी भी वहाँ पर थे। तो इस तरह से ये चीज़ फैली कि हनुमान जी ने भी जाकर बताया होगा, हो सकता है इसी व्यास जी को, तो ऐसा हुआ हो, ऐसा मुझे पता नहीं, पर वो वहाँ पर थे, पर मैंने बता दिया आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें भागवत गीता में कंपाइल करके लिख देगी, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ महाभारत, और ये एक तरह से महाभारत का पार्ट बन गई, महाभारत का पार्ट क्यों बन गई, महाभारत के दौरान ही ये चीज़ हुई थी ना, इसलिए द महाभारत वॉर लास्टेड फॉर 18 डेज, ये 18 दिन चली। इन द वॉर, इस वॉर में ऑल द कौरव ब्रदर्स वर किल्ड, सारे के सारे कौरव ब्रदर्स की डेथ हो गई, एंड युधिष्ठिर बिकेम द रूलर ऑफ हस्तिनापुर, और युधिष्ठिर जो हस्तिनापुर का रूलर किंग बन गया। असल ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी आगे बिचारी हमारी अभी यहाँ पे, इसको बाद में पढ़ेंगे। आज यहाँ तक पढ़ के आना, इसकी नोटिंग में बाद में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि नोटिंग के लिए मेरे को बहुत टाइम चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में हैं, या तो मैं किसी दिन एक दिन की छुट्टी लेके बनाऊंगा, या फिर यहाँ पर बनवाऊंगा। अब एक बार यार मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि मैंने आपको एक क्या था, या बस विकट चक्र था, लास्ट में मेरे नोट्स आपको नहीं थे बिना मैंने वीडियो के, अगर आपको वैसे पढ़ वैसे समझ में आ गए तो मुझे बता देना। अगर आप चाहते कि मैं ऑनलाइन क्लास में लिखवाऊँ तो मैं लिखवा दूँगा, डिफरेंस क्या दोनों में बताऊँ, अगर मैं ऑनलाइन क्लास में बनाऊँगा तो यहाँ पर जो सिस्टम पर लिखने की स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है, तो मुझे हो सकता है नोट को लिखवाने में 2 क्लास भी लगते हैं,
लेकिन अगर मैं घर पर बैठ के करता हूँ, मतलब दो क्लास तीन क्लास कर सकती हूँ, मेरे कहने का ये है कि अगर मैं सिंपली क्लास ऑफ करके अगर बनवाता हूँ तो अगर मुझे 1 घंटा लगता है नोट्स बनाने में, तो ऑनलाइन क्लास में 2.5 घंटे लग सकते हैं, 2 या 2.5 टाइम्स एक्स्ट्रा लग सकता है, 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स एक्स्ट्रा लग सकता है, तो मुझे बता देना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम 2 क्लास एक्स्ट्रा लगा लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे लाइव क्लास में, वो इस रिकॉर्डेड क्लास में, और ये ऐसा है, ठीक है। अगर आपको समझ लगता है कि नहीं सर आप लिख कर भेज देना, मेरे को तो वैसे भी समझ में आ जाता है, तो मैं वैसे एक दो दिन की छुट्टी लेकर लिखवा दूंगा, जितना मुझे टाइम लगता है, 1 घंटे का टाइम लगता है तो 1 दिन की छुट्टी लूँगा, 2 घंटे का टाइम लगता है तो 2 दिन की छुट्टी लूँगा, ठीक है। और आप कहो सर आप एक काम भी कर सकते हो कि सर आप लिखवा दो, आप लिख लेना, वैसे लिखने के लिए आप छुट्टी लोगे तो ले ही लेना लिखने की, लेकिन जब नेक्स्ट डे पढ़ाओ तो एक बार जो आपने लिखा है एक बार उसको समराइज कर देना, तो ऐसा ही मैं कर दूँगा। तो जैसा भी हो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैसेज ना करो, टाइप ना करो, वॉइस मेल भेज देना, ठीक है। हम यहाँ तक करते हैं, मैं यहाँ की ज़रा आपको होमवर्क देता हूँ। टीचर ने कटवा दिया, कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना, आप पढ़ लेना, ठीक है। नेम दी एपिक्स रिटर्न ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, क्या लिखोगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है, वर्ड्स ढूंढे थे भागवत गीता, ट्राई करना, यहाँ से लिखें ऑलरेडी मज़ा नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, आपका लेने वाला होमवर्क। मेंशन दी इम्पोर्टेंस, ये आप कर लोगे, बच्चे बैठे थे ढूंढे महाभारत, ये भी आप लिख लोगे, फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, लिख लोगे। स्टेट दी रोल ऑफ आयरन, नहीं ये थॉट गया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फॉर बर्नार्ड इट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग वैदिक एज, ये बर्नार्ड ये कास्ट आप नहीं लिख पाओगे अभी, हाउ इट ट्रेड, ट्रेड भी नहीं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वैदिक इसके बारे में, एपिक्स से ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और कुछ है, और कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपको होमवर्क है, होमवर्क करते जाना, ठीक है, होमवर्क सक्सेस करते जाना। अब मुझे ध्यान, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो कोई बात मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा नहीं रहा, मैंने स्टार्ट नहीं रहा, मैंने स्टार्टिंग कर दी, आज थोड़ा लेट हो गया था इसलिए, ठीक है।